सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस, प्रीत दुबे ब्लॉग्स, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुका है 400-500 लोगों के बीच में, है कि नहीं? यस। तो आज भाई हम लोग दो लोग एक राइड करने वाले हैं। राइड बोले या ट्रिप बोले? ट्रिप करने वाले हैं। मैं वैसे नींद में हूँ। और हम लोग जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं अजय भाई? श्रीनगर। सो दिल्ली से श्रीनगर के लिए हम लोग तैयार हो चुके हैं, बैग वैग पैक कर लिए हैं और हमारी फ्लाइट है 6:25 पे टर्मिनल 2 से। टर्मिनल 2 दिल्ली में ना? दिल्ली। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं और जो ये ट्रिप है इसमें थोड़ा सा मुझे लग रहा है डिफरेंस अनदर वीडियो से ये है कि हम 2 लोग जा रहे हैं, मीन्स जो आसपास के 2-3 लोग थे वो नहीं जा रहे हैं, है ना? हालांकि ये भी रैंडम प्लान है। करेक्ट। श्रीनगर में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम एक्सप्लोर करने वाले हैं और प्रीत दुबे ब्लॉग्स पे हमने काफ़ी सारे ब्लॉग किए हैं जिसमें डे बाई डे लाइक नेपाल, चारधाम यात्रा और भी बहुत सारे वीडियो हैं जो अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो देखेंगे कि हम काफ़ी सारे ट्रिप कर चुके हैं। सो काफ़ी नॉलेज वाले वीडियो हम बनाते हैं, मीन्स हमारे वीडियो में मस्ती तो होती है लेकिन नॉलेज ज़्यादा रहती है, लाइक किस तरीके से जाएं, क्या क्या सावधानियां रखें, क्यों जाएं, कहाँ जाएं, कब जाएं, है ना? तो आज का जो ट्रिप है काफ़ी स्पेशल है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को पूरा देखना। हम आज का जो डे है वो पूरा कवर करेंगे, किस तरीके से हम लोग श्रीनगर में स्टे करने वाले हैं। सो फिलहाल हम लोग चलते हैं सीधा एयरपोर्ट। तो अभी सिर्फ कुत्ते जग रहे हैं और हम लोग जग रहे हैं, तो कुत्तों में और हम में कुछ खास फर्क दिख नहीं रहा है क्योंकि कुत्ते भी मुंह नहीं धुलते, हमने भी मुंह नहीं धुला। हमारी परछाई देख सकते हैं, सीधा कैब के अंदर बिना पूछे घुस रही हैं। तो भाई मतलब 3:44 मतलब आधे घंटे से ऊपर। सो भाई अभी हम लोग बैठ चुके हैं कैब के अंदर और ड्राइवर भैया ने स्पीड से गाड़ी को मोड़ा है, अजय भाई ने किसी को नहीं छोड़ा है और हम लोग जाने वाले हैं सीधा एयरपोर्ट। सो फाइनली हम लोग टर्मिनल 2 के एंट्रेंस पे हैं, लाइक जहाँ से एक टनल काफ़ी खूबसूरत है जो कि यहाँ पे हम बाइक वगैरह जब चलाने आते हैं तो एक बेहतरीन फील आता है। वहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं और काफ़ी टाइम से निकले हैं हम लोग, 3 बजे निकले थे और 3:45 हो चुके हैं, मतलब हम अप्रोक्सीमेटली 4 बजे तक पहुँच जाएंगे। लाइक चेक इन वगैरह में जो टाइम लगता है उसके लिए हमने काफ़ी स्पेस रखा है, लाइक हम टाइम से आ गए ना अजय भाई? बिफोर टाइम चल गए। हाँ। सो मॉर्निंग की फ्लाइट में रहता है कि रात भर भी नहीं सो पाते, लेकिन हाँ ये है ना कि जहाँ आप जा रहे हैं वहाँ दिन में जाके आप दिन मिल जाएगा, पूरा दिन मिल जाएगा, होटल का भी आप पैसा बचा सकते हैं ना। यस। सो अभी आप देखेंगे हम लोग एयरपोर्ट पहुँचने वाले हैं। एयरपोर्ट में थोड़ा सा आपको ट्रैफिक मिलेगा बट टाइम बिल्कुल बर्बाद नहीं होता। सो फाइनली हम लोग डिपार्चर पे पहुंचने वाले हैं। ये आ गया T2 का डिपार्चर और टैक्सी यहाँ पे स्लो थोड़ी हो जाती है क्योंकि आगे ना ट्रैफिक वाले भी रहते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे हमारा जो चेक इन है वो सेल्फ चेक इन कर लिया है, ये देखिए, और अभी क्राउड ज़्यादा नहीं है, यहाँ पे नॉर्मल क्राउड है। बैक का देखते हैं एंड फिर पहुंचते हैं फ्लाइट के लिए। इन्होंने हमें अच्छे से चेक कर लिया है, बोर्डिंग पास मिल गया है। सो अभी हमारा जो चेक इन प्रोसेस था वो हो गया, बोर्डिंग पास मिल गया है और अभी गेट नंबर कितना है? 30 नंबर गेट 1 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं और मैं तो आर्मी वाला लग रहा हूँ पूरा बाकी देखते हैं। सो भाई हमारी फ़्लाइट है गो फर्स्ट की और यहाँ पे जो लॉज है जहाँ पे बैठने का सीट वीट डला हुआ है वो इतना फुल है ना कि प्लेटफॉर्म वाला फील आ रहा है, तो गो फर्स्ट वालों से रिक्वेस्ट है कि ये लोग थोड़ा सा सीट्स का ध्यान रखें वेटिंग के लिए, आई थिंक। सो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं, ये देखिए। ये बिल्कुल हिमालय के पास से जा रही है फ्लाइट और यहाँ पे ना पहाड़ियाँ बर्फ से कवर्ड है और ऐसा लग रहा है जैसे ना फ्लाइट नीचे और पहाड़ियाँ ऊपर, वो बहुत ज़बरदस्त है, ऑसम। ये आई थिंक एडवेंचर हो गया हमारे लिए, आज की राइड का सबसे बड़ा एडवेंचर। लोग आ चुके हैं श्रीनगर। अजय भाई के जो चीक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश वाले माहौल वाले दिख रहे हैं ना। यस सो अभी पहुंचते हैं होटल, फिर करते हैं प्लान। गुड मॉर्निंग श्रीनगर गाइज, हम लोग दिल्ली से चल के श्रीनगर आ चुके हैं एक दिन के रेस्ट के बाद, या बोल सकते हैं ऑफिस के बाद, क्योंकि अजय भाई ने ऑफिस भी किया है। अजय भाई एक बार हाय बोलो। हाय, गुड मॉर्निंग श्रीनगर। सो अभी ऑफिस करने के बाद हम लोग एक दिन का पूरा जो कंप्लीट रेस्ट होता है वो लेने के बाद इस प्यारे से रूम में रुकने के बाद अब हम लोग गुलमर्ग के लिए एक कैब लेके जा रहे हैं जो कि 2500 रुपये में हमें मिली है, और गुलमर्ग पूरा हमें ये घुमा के लेके आएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि जो हमने मॉर्निंग की फ़्लाइट ली थी और हमने सोचा था कि हम सेम डे घूम पाएंगे, तो भाई रात में पूरा बारिश भी हुई और रात में हमने ना 2-3 घंटे तक पैकिंग वैकिंग की और काफ़ी समय लग गया। तो मॉर्निंग की फ़्लाइट में बर्थ नहीं बोलूँगा, बर्थ नहीं बोलूँगा, क्योंकि हम लोग घूम नहीं पाए। उसमें हमने इसलिए की थी कि हम सेम डे घूम पाए, तो कहीं ना कहीं हमें रेस्ट करना पड़ा। लेकिन आज हम पूरे जोश के साथ तैयार हैं और हम अपनी ट्रिप को बहुत बेहतरीन बनाने वाले हैं, क्योंकि गुलमर्ग जहाँ पे बहुत सारी बर्फ पड़ी हुई है वहाँ से हम अपना जो पहला दिन है वो शुरू कर रहे हैं। सो अभी बैग वैग लगा लिया है। होटल भी हमें 1500 रुपये में बहुत अच्छा मिल गया था, जिसमें गर्म पानी बहुत अच्छा है, और इसका लोकेशन भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। साथ ही साथ रूम भी ठीक है, एक टीवी लगा हुआ है, हीटर वगैरह भी इन्होंने दिया, कंबल भी बहुत अच्छे हैं, काफ़ी अच्छा होटल है नो डाउट। बाकी हम अब गुलमर्ग को एक्सप्लोर करने वाले हैं। डे फर्स्ट में दिल्ली वाला जो हमारा पूरा एक सीन या एक हम बोल सकते हैं वीडियो था, वो हमने ऐड कर लिया है डे फर्स्ट में ही, क्योंकि हम आए कैसे ये भी तो पता होना चाहिए भाई। फ्लाइट से आया, पैसे खर्च किए हैं, देखना चाहिए पब्लिक को पैसे खर्च किए। करेक्ट। सो अभी चलते हैं गुलमर्ग, देखते हैं कौन सी टैक्सी क्या मिल रहा है और आगे करते हैं इस पूरी ट्रिप को शानदार। बहुत सर्दी है और यहाँ पे सब लोग तैयारी कर रहे हैं जाने की। अजय भाई ने रूम को लॉक किया है और नो डाउट होटल भी काफ़ी अच्छा है, और पहला दिन जो है हमारा वो बहुत शानदार होने वाला है, बिकॉज गुलमर्ग हमने सेलेक्ट किया है ना। अभी चलते हैं कैब में, भी चली गई है तो हम एकदम से सीढ़ियों का सहारा लेते हुए नीचे जा रहे हैं। तो भाई होटल काफ़ी क्लीन है, काफ़ी अच्छा है नो डाउट, बहुत सारे लोग रुके हुए हैं, और यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ ये है कि स्टाफ काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छे से हम लोगों को ट्रीट किया। नो डाउट हमारी टैक्सी भी आ चुकी है। भैया टैक्सी आ गई क्या? सो टैक्सी हमारी रेडी है, एंड देन हम आज फर्स्ट डे अपना शुरू कर रहे हैं इस होटल से। होटल का लोकेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, एंड जो ट्रिप रहेगा वो काफ़ी शानदार है, बिकॉज आज हम सिर्फ 2 लोग हैं, 2 भाई हैं, और बढ़िया से बहुत अच्छे से जो है पूरा ट्रिप हम लोग शूट करने वाले हैं। ये देखिए, ये पूरा यहाँ पे खाने का जो है रेस्टोरेंट वो यहाँ पे है। ब्रेकफास्ट, कल का डिनर भी बहुत प्यारा था। सो नो डाउट वेजिटेरियन के लिए भी है, नॉन वेजिटेरियन के लिए भी है, काफ़ी अच्छा स्पेस भी है। सो अभी रेडी हो चुकी है हमारी कार और निकलते हैं हम लोग आज के इस ट्रिप पे। सो शबीर सर के साथ आज हम गुलमर्ग की शेयर करने वाले हैं। शबीर भाई एक बार हमारी ऑडियंस को हेलो बोलो। हेलो। सो शबीर भाई रास्ते कैसे हैं, थोड़ा सा बताओगे या दिखाओगे सीधा? सो अभी रास्ता कैसा है? रास्ता शबीर भाई हमें दिखाने वाले हैं सीधा। और भी लोगों की गाड़ियां तैयार हैं, जैसे कि ट्रैवलर होटल के थ्रू मिल जाएगा, और भी बहुत सारी फैसिलिटी हैं जो कि बहुत कोई की लोग अरेंज करके देते हैं। तो शबीर भाई करते हैं शुरू आज का ट्रिप और बैठते हैं सीधा कार में। सबसे पहले शबीर भाई की कार काफी क्लीन है, एंड्रॉइड स्टीरियो लगा रखा है, हालांकि ये एंड्रॉइड स्टीरियो प्रॉपर फ्रेम में नहीं लगा है। उसके लिए कार म्यूजिक हब का यूट्यूब चैनल देखोगे तो पता चलेगा कि हाँ भाई हम एंड्रॉइड किस तरीके से प्रोवाइड कराते हैं, क्योंकि मेरा फुल टाइम यूट्यूब चैनल कार म्यूजिक हब है। अजय भाई काफी खुश हैं कार म्यूजिक हब के नाम से, क्योंकि ये नेपाल वाले ट्रिप में हमारे साथ थे और हमने वो व्लॉग चौथा ट्रिप है। बहुत शानदार ट्रिप है और हम इसको कंटिन्यू करते हैं। और शबीर भाई चलिए। तो भाई श्रीनगर की सड़क पे हम लोग निकल चुके हैं पूरे होशो हवास के साथ। नो डाउट अभी ट्रैफिक नहीं है, तो हमें होटल के लोगों ने सजेस्ट किया था कि भाई सुबह जल्दी निकलना, तो मॉर्निंग में फ्लाइट थी तब भी ट्रैफिक नहीं मिला, अब भी ट्रैफिक नहीं है। हम ट्रैफिक कहीं ना कहीं बचाते हुए निकल रहे हैं। शबीर भाई 9 बजे के बाद तो बहुत ट्रैफिक होता होगा ना? बहुत ट्रैफिक होता है। सो अब करते हैं इस ट्रिप को शुरू। ने ब्लोअर चला रखा है हाँ, सो गाड़ी भी काफी गर्म हो रही है। सो अभी हम लोग थोड़े से फ्रूट्स ले रहे हैं, क्योंकि अजय भाई का फास्ट है, एंड यहाँ से फ्रूट्स लेके फिर हम लोग चलेंगे गुलमर्ग की तरफ। ये जो हाईवे है यहाँ पे 270 किलोमीटर दूरी पे पाकिस्तान है। उरी जो मूवी देखी होगी आपने, उरी भी इसी हाईवे पे है, नेशनल हाईवे। ये हमारी गाड़ी, ड्राइवर साहब, और ये है श्रीनगर का नज़ारा। मंडी काफ़ी शानदार यहाँ पे दिख रही है, नो डाउट यहाँ पे फ्रूट्स आपको सभी मिल जाएंगे। आप देखेंगे यहाँ पे श्रीनगर की जो सब्जी है, इसमें आप येलो वाला जो देख रहे हैं ना, ये कद्दू है यहाँ का। हमारे यहाँ कद्दू अलग होता है, ये अलग कद्दू है। बाकी देखेंगे बहुत सारी सब्जी अच्छे से सजा के रखी है, और सब्जी का रेट भी यहाँ काफ़ी ठीक है। मीन्स हम बोल सकते हैं कि फल के अकॉर्डिंग यहाँ पे सब्जी का रेट ठीक है। बाकी सेब यहाँ 100 के 2 किलो मिल जाएंगे, बाकी सब फल महंगे हैं, सेब सस्ता है बस। ये है उरी 86, बारमूला 41, गुलमर्ग 35 लेफ्ट की तरफ। और यहाँ पे हम लोग स्टार्ट कर दिए हैं गुलमर्ग वाले रोड पे। सो भाई हम लोग अभी एक एप्पल गार्डन में आए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये देखो, ये पूरा यहाँ पे ना फ्रेश जूस भी देते हैं ये लोग एप्पल का। ये देखो, ये एप्पल लगे हुए हैं, ये देखो एकदम से बिल्कुल फ्रेश फ्रेश लगे हुए हैं। और तोड़े भी नहीं है इन्होंने, क्योंकि ना टूरिस्ट आते हैं तो उनको देखने के लिए सपोर्ट भी कर रखा है। ये देखो, ये चेरी का, ये किसका है? चेरी का। सो ये है पूरा एप्पल गार्डन, और यहाँ का जो व्यू है वो काफ़ी ज़बरदस्त है। साथ ही साथ जो इस गार्डन में भैया हैं, मैं उनसे भी मिलवाता हूँ। भैया एक बार नाम बताइए अपना। आदिल। आदिल जी, आदिल जी, ये मतलब 12 मंथ रहते हैं सेब, या कुछ सीजन होता है इसका? नहीं, इसका सिर्फ एक ही सीजन, साल में एक ही बार आता है, मार्च अच्छा। में फूल आते हैं और अक्टूबर में हम प्लग करते हैं। ओके, सो अभी आपने इनको तोड़ा नहीं है बिकॉज ऑफ फोटोग्राफी? फोटोग्राफी। ओके, सो यहाँ पे जो गार्डन है वो आप देख सकते हैं, इन्होंने बहुत अच्छे से लाइक खाद वाद भी दे रखी है पेड़ों को, और जब फल ज़्यादा हो जाते हैं तो ये लोग सपोर्ट भी देते हैं उन्हें, लाइक लकड़ी वगैरह लगा देते हैं जिससे कि डाली ना टूटे। अजय भाई कैसा लग रहा है एप्पल गार्डन में? बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने फर्स्ट से सेकंड टाइम हम लोग एप्पल देख रहे हैं। हाँ। इससे पहले हमने मनाली वाले ट्रिप में देखा था, लेकिन इतना लगा हुआ, इतना बड़ा लगा हुआ नहीं था। कुल मिला के जो एक पूरा फील है एप्पल गार्डन का वो यहाँ पे आपको दिख रहा है। बाकी अभी गुलमर्ग यहाँ से लगभग 17-18 किलोमीटर है। 18 किलोमीटर पहले ही हमें एप्पल गार्डन मिल गए, बहुत सारे एप्पल गार्डन मिले, लेकिन हम जहाँ पे चाय पी रहे थे तो वहाँ पे हमें आदिल भाई मिले, तो हमने यहाँ पे पूरा एक विजिट किया। और नो डाउट बहुत साफ़ सफाई है गार्डन के अंदर। दूसरी चीज़ ये है कि देखो, चाहते तो ये एप्पल तोड़ के भी बेच सकते थे, स्पेशली इन्होंने अपना फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए इस गार्डन को सजा के रखा है। सो नो डाउट ये एक एडवेंचर हो गया। करेक्ट, अब आगे चलते हैं, देखते हैं। सो भाई ये है एप्पल गार्डन, और यहाँ पे एकदम से फ्रेश जूस निकाल के हम लोग पीने वाले हैं। एकदम फ्रूट बियर वाला फील आने वाला है। अजय भाई आपने तो ले भी लिया ना? हाँ, ये वाला ये देखो, ये एकदम से फ्रेश फ्रेश निकल रहा है। और अजय भाई बताओ, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं फ्रूट बियर पी रहा हूँ नेचर में। सो एकदम से फ्रूट का जो स्टॉक है इनके पास वो है, और ये फ्रेश बिल्कुल तोड़ के सामने पैक करके भी दे देंगे अगर आप कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट जो है वो पे करते हैं तो। बाकी आपको यहाँ पे बहुत अच्छा रेट मिल जाएगा, मीन 750 में आपको 20 kg फ्रेश जो है फ्रूट मिल जाएंगे। भैया अगर हम बात करें यहाँ पे, मान लीजिए कोई 2-3 ये लेता है कार्टून, तो उसको थोड़ा डिस्काउंट भी मिल जाएगा ना? सो नो डाउट यहाँ पे फ्रेश एप्पल मिलेगा और क्वालिटी बहुत अच्छी मिलेगी। गाइस अभी हम लोगों ने गुलमर्ग का एक टोल लिया है 750 का, और ये देखिए वादियां, यहाँ पे हल्का सा आपको दिखेगा बादल पहाड़ियों से टकराता हुआ। नो डाउट व्यू काफी शानदार है। थोड़ा सा जूम करने की कोशिश करता हूँ, ये देखिए आप देख सकते हैं। बाकी नो डाउट गुलमर्ग का जो रास्ता है वो भी बहुत बेहतरीन बनाया है, हाईवे की तरह बिल्कुल फील दे रहा है। और यहाँ पे आपको मिलिट्री भी अच्छी खासी मात्रा में दिखेगी। नो डाउट बहुत जबरदस्त व्यू होने वाला है। बर्फ हमें दिखने लगी है, अब हम काफी मस्ती भी करने वाले हैं। तो टंगमर्ग से हम गुलमर्ग की तरफ चल रहे हैं, और उसी व्हीकल में चल रहे हैं जो व्हीकल हमें होटल से मिला था। कभी कभी क्या होता है कि यहाँ बर्फ ज्यादा पड़ जाती है तो ये चेंज भी कर देते हैं, लाइक यहाँ का जो व्हीकल है वो यहाँ खड़ा करके ये लोग अपना कार देते हैं, गवर्नमेंट व्हीकल बोल सकते हैं, उसमें चेन लगा के फिर ये ऊपर भेजते हैं। सो नो डाउट हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है। ये देखिए अभी हम लोगों को मिल गया है कि हम इसी गाड़ी से जा रहे हैं। सो अभी अजय भाई यहाँ पे चेंज कर रहे हैं, एंड हमें यहाँ पे एक गार्ड भी मिल गए हैं जो कि हमें पूरा घुमाएंगे। भैया क्या नाम है आपका, आप जो साथ चलने वाले हो? अहमद भाई हमें लेके चलेंगे ऊपर गुलमर्ग पूरा शहर कराने वाले, और यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, एंड देन जैसे जैसे आगे हमें पॉइंट्स मिलेंगे वो भी हम दिखाएंगे। सो गाइज यहाँ पे काफी बर्फ पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं पूरी जो पहाड़ियां हैं वो बर्फ से ढकी हुई हैं। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ये है भाई सपनों की दुनिया बोल सकते हैं हम इसे। पूरी रोड है सफेद और नो डाउट बर्फ अच्छी खासी पड़ी हुई है। स्नोफॉल का चांस आज भी है, अब देखते हैं हमें स्नोफॉल देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये है हिंदुस्तान की जन्नत, पूरा बर्फ ही बर्फ, पूरा पहाड़ियां बर्फ से ढकी हुई हैं। नो डाउट यहाँ का जो व्यू है ना, ऑसम ऑसम है। सो भाई स्नोफॉल भी होने लगी है, एकदम धुआं सा छा रहा है। पेड़ों पे आप देखेंगे तो बहुत जबरदस्त से जो एक लाइक वाइट से स्पॉट बनते हैं ना आइस के, बर्फ के सॉरी, तो वो आपको देखने को मिलेंगे। और स्नोफॉल हो चुकी है स्टार्ट और पठान साहब ने हमें पूरा एकदम बढ़िया वाला फील दिया है। नो डाउट ये वीडियो काफी हिट होने वाला है बिकॉज हमने बहुत सारे एडवेंचर यहाँ पे फील किए हैं। लाइक हमने एक एप्पल के पेड़ से डायरेक्ट एप्पल खाया, फिर हमने स्नोफॉल देखा, जूस पिया, बिल्कुल बिल्कुल फ्रेश जूस है ना, और इतना मीठा सेब जिंदगी में कभी नहीं खाया जो हमने यहाँ पे, मतलब क्या बोलूं यार, अमेजिंग। और दूसरी चीज यहाँ की तहजीब बहुत अच्छी है, लोग बहुत प्यारे हैं, मीठे बोलते हैं, बहुत मीठे बोलते हैं। और आपने बोला चक्कर से ज्यादा लोगों की मिठास यहाँ पे, मिठास है जुबान में, बिल्कुल। सो नो डाउट बहुत अच्छा लग रहा है और ये वाला जो भाई एक्सपीरियंस है ना, हम अपनी फैमिली के साथ भी जल्द शेयर करेंगे और बहुत सारे लोगों के साथ हम गुलमर्ग घूमने जरूर आएंगे। सो नो डाउट ये एडवेंचर राइड हो गई है पूरी और यहाँ पे बस स्नो की तैयारी, लाइक मौसम बन गया है और स्नो भी आने वाली है। ये गुलमर्ग में एंट्री हो रही है हमारी, ये देखिए यहाँ से गुलमर्ग स्टार्ट है, ये पूरा गुलमर्ग ही है। लोग यहाँ पे घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं और जो ट्रॉली वगैरह है उसका भी लुत्फ ले रहे हैं। इसको मेन गुलमर्ग बोलते हैं। ये सामने मस्जिद है, क्या मस्जिद है सामने, और बर्फ देखिए कितनी पड़ी हुई है। और यहाँ पे टूरिस्ट भी आपको अच्छे खासे मात्रा में देखने को मिलेंगे। ये देखिए नो डाउट बहुत बहुत अच्छा माहौल है यहाँ पे और बर्फ ही बर्फ है। इसको बोलते हैं भाई असली वाला गुलमर्ग, ये है। तो टेम्पल घूमने के बाद हम लोग यहाँ पे स्केटिंग बोलते हैं ना, स्केटिंग करने आए हैं और यहाँ पे हमें एक और भाईजान मिले हैं और स्केटिंग हम करेंगे। थोड़ा सा ट्रायल लेना पड़ेगा बिकॉज वी आर नॉट ट्रेंड पर्सन, है ना, वी आर नॉट ट्रेंड पर्सन इन दिस फील्ड। सो वी विल ट्राई टू टेक सम टीचर फ्रॉम दिस कंपनी, वी विल श्योरली ट्राई टू मूव on ice, so you can see many person are trying and it our shoe size 8, so you can check here many person try to do something something unique, so you can see Gulmarg ki wadiyan ya aati hain kabhi aandiyan। तो अजय भाई कैसा लग रहा है? अभी अच्छा लग रहा है मुझे, यहाँ पे फर्स्ट टाइम ऐसे एक्सप्लोर कर रहा था। इट्स लाइक स्विट्जरलैंड, लास्ट टाइम मैं स्विट्जरलैंड गया था, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। स्विट्जरलैंड भी फेल है यहाँ पे मैं बोलूंगा, और यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। और अभी हम लोग स्की ड्राइविंग करने वाले हैं, लेट्स सी कि कैसे कर पाते हैं हम लोग, फर्स्ट टाइम रहेगा मेरा। बिल्कुल, सो वी विल ट्राई टू बेस्ट। सो नाउ वी आर स्टार्ट फॉरवर्ड। देखो, डरना नहीं, जाने दो, पीछे मत बैठो। बोलते हैं ना पहाड़ी की मैगी, अभी हमारे सर बना रहे हैं बहुत जबरदस्त वाली मैगी। और यहाँ पे लोग, हम लोग हैं पूरा हर जगह बर्फ। ये देखो अजय भाई तो एकदम पूरा होस्टिंग सीख गए, कह रहे हैं पूरे जहान में बर्फ की चादर है ना। यस, सो कैसा लग रहा है अजय भाई? जब मैं फर्स्ट डे आया था बिल्कुल भी मुझे अच्छा नहीं लगा। होटल में बनता हूँ ऑफिस के काम पे, आज मैंने बिल्कुल ऑफिस बंद कर दी है। आज जन्नत में आ गया हूँ, आज जन्नत में आ गया। आज मैंने बोला ऑफिस हो गई, आज करेंगे हम मजे फन। और यहाँ पे जो टेम्पल है वो देखो कितना खूबसूरत है, ये देखो बहुत खूबसूरत। बस सूर्य की रोशनी पड़ रही है ना, हाँ वो अलग से चमक रही है, अलग रिफ्लेक्शन जा रहा है। सो अजय भाई काफी दोस्त हैं, इधर फ्लैग भी, इंडियन फ्लैग आपको देखने को मिलेगा। ये देखो जूम करता हूँ, यहाँ पे इंडियन आर्मी का कैंप भी देखने को मिलेगा। बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है यार। बाकी जो गुलमर्ग के बारे में लोग बोलते हैं, नो डाउट अमेजिंग, इट्स अमेजिंग। अब मैगी का रिस्पांस देखते हैं और खाते हैं क्या है मैगी का मजा। यहाँ पे सिर्फ सफेद चादर दिख रही है और हमारे गणेश भाई बैठे हुए हैं मैगी खाते हुए। तो हम देखते हैं गणेश भाई से कि गणेश भाई कैसा लग रहा है माइनस के टेम्परेचर में आप बैठ के मैगी खाते हुए। देखो मैगी खाने का मजा तो पहाड़ियों में ही है। आई थिंक बर्थ है बिकॉज टेस्ट जो है ना वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है एनवायरमेंट के साथ। तो अमेजिंग। और जिन भैया ने मैगी बनाई, आप उनको दिखाओ, उन्होंने बहुत शिद्दत के साथ मैगी बनाई। पर हाय बोलना हमारी तो ये काफी बेहतरीन इन्होंने बना के दिया है गुलमर्ग में। मंदिर के जस्ट पीछे मैं आपको मंदिर भी दिखा दूं जहाँ से हम लोग, ये रहा शिव जी का मंदिर। तो अभी हम लोग काफ़ी इन्जॉय करने के बाद, काफ़ी बर्फ़ पे फिसलने के बाद हम लोग जा रहे हैं, वो जो बाइक होती है इलेक्ट्रॉनिक टाइप, उस पर घूमने। अजय भाई थक गएगा? थका नहीं है, बट इतना इन्जॉय कर लिया, सांसें फूल रही है, ठंड है यहाँ पे और टेम्परेचर तो मतलब अमेजिंग, डाउन ही होता जा रहा है टेम्परेचर, बॉडी का भी और नेचुरल वाला भी। सो अभी देखते हैं कहाँ तक दम दिखा सकते हैं। बाकी हमें लगभग 2 से 3 घंटे हो चुके हैं गुलमर्ग में। नो डाउट अमेजिंग, इट्स नाइस, वर्थ है। और इस सीजन जहाँ हम आए हैं वो भी वर्थ है, क्योंकि अगर आप समर में आओगे यहाँ पे तो यहाँ पे आपको ग्रीनरी मिलेगी। यहाँ पे व्हाइट भी दिख रहा है, व्हाइट चादर, वहाँ पे ग्रीनरी मिलेगी, ये डिफरेंस है। बट यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको हमेशा मिलेगा देखने के लिए। नो डाउट काफी सारे कपल्स आए हैं, हम भी सोच रहे हैं कभी कपल्स में आते हैं। हाँ, हमारा वीडियो देख के भी अगर कोई अकेला आना चाहे हम लेके आएंगे, नो मतलब हम, आप समझ सकते हो ना, वी विल हेल्प यू। सो बेसिकली वी आर बैचलर, सो वी कैन हेल्प, है ना? यस, वी विल वर्क टुगेदर एंड वी विल वॉक टुगेदर एंड उसके बाद अभी जन्नत में हम लोग टहल रहे हैं, जो धरती का स्वर्ग बोला जाता है कश्मीर को, कश्मीर की वादियां, नो डाउट अमेजिंग। अभी हम ऐसे ही घूम रहे हैं, लाइक कुछ एडवेंचर करने के लिए, बर्फ में लौट जाओ वही एडवेंचर है। और हर जगह सफेद सफेद चादर है, लोग कपल्स भी हैं, अलग अलग तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। बट वी आर बैचलर्स, सो बर्फ में लौट के कूद के बस भाई हमारे लिए एडवेंचर है, नो डाउट। बट काफी अच्छा है, माहौल बहुत अच्छा है, लोग काफी प्यारे हैं और काफी अच्छा माहौल है। ये लोग ना जो ट्रॉली वगैरह देते हैं ये बहुत महंगी देते हैं, 200-300 रुपए में देना चाहिए, 2000 में देते हैं। लेकिन यार इन पे ही डिपेंड नहीं है। बाकी जो स्केटिंग वगैरह हमने की वो भी 200-200 रुपए से ज्यादा वर्थ नहीं है, क्योंकि आदमी थक जाता है 15 मिनट में। ये बोलते हैं पूरे दिन चलाओ, कोई नहीं चला पाएगा पूरे दिन, लेकिन ठीक है। हम लोगों को 1400-1200 रुपए में मिल गई थी, जिसमें 1-2 टीचर भी थे, बताया भी हमें। तो आप 1000 रुपए के अप्रोक्सीमेटली बजट लेके चलिए स्केटिंग का। बाकी जो ट्रॉली होती है वो भी मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे सामने ना ऊपर पहाड़ियों में जो इलेक्ट्रॉनिक केबल पर ट्रॉली जाती है वो भी आपको देखने को मिलेगी। बट आज हमें बुकिंग नहीं मिली, वो ऑनलाइन बुक करनी पड़ती है। सो ध्यान रखना जब भी आए ये ऑनलाइन बुक करके आए। यहाँ पे अगर आप विद कपल ग्रुप, हाँ ग्रुप आते हैं तो ये हट बने हैं, हट बोलते हैं, हट बने हुए कॉटेज है ये। इसमें आप देखेंगे धुआं भी निकल रहा है, ये गर्म भी रहते हैं। और ये जो एक पेड़ों से बर्फ झरती हुई दिखेगी ना आपको, ये बर्फ पड़ी थी कल, तो ये धीरे धीरे करके गिर रही है। तो ये जो सुंदरता है यहाँ की, ये बहुत प्यारी है, नो डाउट। मेस्मराइजिंग ना, अद्भुत, अविश्वसनीय, अपकल्पनीय। तो आप देखेंगे यहाँ बहुत अच्छा साइट सीन, बहुत अच्छे, अगर आप वॉक भी करेंगे तो बहुत मजा आएगा आपको, नो डाउट। ये देखिए इस तरीके से बहुत अच्छा व्यू है यहाँ पे, अमेजिंग, बहुत अच्छा शूट है, नो डाउट। फूड की क्वालिटी बहुत अच्छी है और यहाँ का जो पुलाव फेमस है वो भी हम खाने वाले हैं, तो पुलाव का टेस्ट भी बताऊंगा। सो भाई ये है मामा जी और इनका पुलाव काफी फेमस है आपके गुलमर्ग में। कहाँ पे है आपका ये शॉप बताएंगे? बस नियर एक्सचेंज गुलमर्ग। अगर हम बात करें क्वालिटी की तो भाई मेरे से आप देख सकते हैं मैंने पार्सल करवाया है, क्योंकि काफी फुल प्लेट में काफी ज्यादा मटेरियल होता है। लाइक 2 लोग होते हैं तो उसको खा सकते हैं, सिंगल में तो बंदा नहीं खा पाएगा। और कैसा था कावा, कैसा था अजय भाई? कावा औसम था ना, बट अच्छा था। कावा भी अच्छा था। एंड अगर बात करें यहाँ पे हम पर्टिकुलर पुलाव की तो ये वाकई काफी जबरदस्त है। थैंक यू मामा जी। सो गाइज अभी हम लोग गुलमर्ग से नीचे आ रहे थे तो पंडित कश्मीर आर्ट एम्पोरियम पे हम लोग जा रहे हैं अंदर। और यहाँ पे बोलते हैं कि काफी प्योर क्वालिटी मिलती है सॉल्स की और शूट्स की, वूलन काफी अच्छा है यहाँ पे। एंड अभी हम देखेंगे कि क्या कुछ क्वालिटी रहती है। लाइक यहाँ पे लेडीज शूट आपको मिल जाएंगे और यहाँ पे बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको दिल्ली या फिर इवन बोलते हैं कि श्रीनगर में भी बहुत महंगी मिलेंगी। सो यहाँ पे अगर कारपेट की बात करें तो जो भी हैंडमेडेड क्राफ्ट होता है वो सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे बहुत सारी सॉल की जो वैरायटी है वो मिलेगी। अभी हम स्टोर के जो सेलर हैं, लाइक जो सेल्समैन है, उनसे बात करता हूँ एंड देन देखते हैं कि क्या क्या क्वालिटी हमें मिलेगी। क्या क्या देखा अजय भाई? पहले क्या क्या लिया वो बताता हूँ। अच्छा, क्या ले भी लिया तुमने? हाँ, मैंने ले भी लिया। हाँ, बताओ क्या क्या लिया। ओके वाओ ये चार शॉल वेरी नाइस। खोल के दिखाता हूँ मैं ये। अब आप भी सेल्समैन बनोगे क्या? वाओ तो ये मैंने घर पे ले लिया, घर के लिए लिया ये। ओके ये चार पीस लिए हैं? हाँ ये चार पीस लिए मैंने। ओके बहुत ही रेट मुझे बेहतर मिला यहाँ पे और क्वालिटी वाइज नो डाउट क्वालिटी कोई भी इसमें मैं बोलूंगा कि कोई इसमें अलग ही मतलब क्वालिटी में कोई वो नहीं है, मिलावट नहीं है, जो बोल रहे हैं वही है। वो तो कहीं ना कहीं फैब्रिक को छूके भी पता चलता है ना। और अभी ये दो चीजें नहीं है, इसमें दो स्पेशल लोगों के लिए। एक तो एक भाई खुद के लिए ले रहे हैं और दूसरा ये मेरी सिस्टर के लिए। सो हम लोगों ने ये काफी बेहतरीन चीज लिया है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलता है स्लिक पश्मीना। स्लिक पश्मीना ओके। सो इसमें भी बहुत सारी वैरायटी होती होंगी आई थिंक। तो हमें इसका कुछ और इसका लाइक अपर वर्जन दिखाएंगे कुछ जो थोड़ा सा और क्वालिटी, जैसे कि इसका जो क्वालिटी है वो भी काफी स्मूथ है जो हमें नॉलेज है उसके हिसाब से। आप अपने हिसाब से कुछ दिखाइए थोड़ा सा। इससे ज़्यादा जो सुपीरियर रहता है वो रहता है 3000 के रेंज में। अच्छा थोड़ा डिफरेंट रहेगा वो मैं आपको दिखाऊंगा। वो हो गया ये वाला ओके okay. ये भी हो गया कानी पश्मीना ओके। जो 3000 से स्टार्ट है 3050 रुपीज से स्टार्ट है 3050 रुपीज से ओके okay. इसके स्टार्टिंग रहेगा। इसके इसमें जो ये हैंडवर्क है या फिर ये मशीन से बनाया गया है? ये इसको बोलता है कि इसको बनाता है डन बाय वुडन स्टिक्स जो मार्च के तीन से बनाना पड़ता है। अच्छा ये जो ओरिजिनल इससे भी अगर आपको सुपीरियर चाहिए हाँ। और उसका प्राइस भी बढ़ेगा हाँ। क्वालिटी भी रहेगा। एक बार दिखाइए वो रहेगा प्योर पश्मीना का, उसका जो प्राइस रहेगा 5500। वो भी दिखाइए और उससे अपर भी एक दो क्वालिटी दिखाइए। ये कायनी पश्मीना बोलते हैं ना? पश्मीना ये हो गया कायनी पश्मीना। बैग देख लीजिए इससे 3000 से स्टार्ट 2.5 लाख तक सेम बेस रहे। एक हमें 2.5 लाख वाला पीस दिखाओ प्लीज। सो गाइज ये है 2.5 लाख रुपए का पश्मीना। इसकी खासियत भी पूछेंगे और देखेंगे कि क्या कुछ क्वालिटी है। भाईजान इसकी क्वालिटी के बारे में थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन करना कि क्या कुछ खास है इसमें। प्योर कानी जो 100% जो रेयल कानी होता है हाँ। जो रहता है 100% रेयल पश्मीना ओके। जो रेयल पश्मीना जो आता है जो यहाँ से कलेक्ट किया जाता है थ्रोट से ओके। A ग्रेड चिनपोच हो गया सबसे रेयल। इसकी जो स्पेशलिटी है हाँ। जो 12 महीना यूज कर सकते हैं, गर्मी 40 डिग्री में और -20 डिग्री में। ये बॉडी के हिसाब से वार्म करता है इंसान, वार्म करता है ओके। गर्मी में ये ठंड रहेगा और सर्दी में ये गर्म रहेगा। ये ओरिजिनल 100% रहेगा। अच्छा इसका ह्यूमिडिटी चेक कर सकते हैं इसके बारे में। ये ह्यूमिडिटी को प्रोटेक्ट करता है। अगर आपको हमें रेयल पश्मीना टेस्ट करना होता है हाँ। इसके जो धागा हमको निकालना होता है यहाँ से हाँ। ओके यहाँ से हमने एक धागा निकाला उसको बर्न किया है ओके। उसको बराबर बाल जैसा सुमेल आना चाहिए तो वो रियल होगा हाँ। और जलाने के बाद वो धीरे धीरे जलेगा ओके। आपने जलाया नायलॉन की तरह नहीं जलेगा, वो नायलॉन की तरह नहीं। अगर नायलॉन की तरह जल गया तो समझिए फेक है। और इसके ऊपर कभी कभार जब पश्मीना के ऊपर हम पानी डालेंगे एक भी बूंद हाँ। पानी का कतरा वो मरगरी की तरह नीचे जाएगा ओके। वो इसके ऊपर पानी का कतरा इसके ऊपर नहीं रहेगा, सीधा मरगरी की तरह नीचे जाएगा। उसका मतलब हो गया कि रेल, क्योंकि पश्मीना जो सबसे गर्म रहता है ये पानी को अंदर नहीं खींचता है, बाहर की तरफ। रेल पश्मीना ओके ये हो गया रेल पानी। इसका कॉस्ट होगा, इसका कॉस्ट मुख्तलिफ है। ये जो बॉर्डर वाला है हाँ। ये जो रहेगा 75,000 ओके। इसका जो पूरा रहेगा ऑल ओवर जॉब हाँ। 2 लाख 2.5 लाख ओके। कारपेट सेक्शन में आप आए, एक बार कारपेट सेक्शन भी देख लेते हैं। स्वेटर जैकेट हाँ। अनलिमिटेड प्राइस सबसे सुपीरियर रहेगा। कोट्स रहेंगे, कैप शर्ट्स रहेंगे। इसको क्या बोलते हैं? पंचू। ये पंचू हो गया हाँ। जो स्लीवलेस रहता है हर किसी के लिए, लेडीज के लिए 18 साल से 40 तक चलेगा। फ्री साइज होता है फ्री साइज। उसके बाद हो गया ये कैप शॉल कानी रेल बर्बरी जो चेक रहता है ब्रांड, ये भी रहेगा ओरिजिनल चीज। डिफरेंट रहेंगे हर किसी के ओके। तो कारपेट सेक्शन में एक बार चलिए। ये जो रहेगा इसका जो साइज है 6x9 ओके, 6x9। और ये जो रहेगा हेड नॉटेड कारपेट ओके। हेड नॉटेड का मतलब होता है जो हाथ से एक नॉट्स बना हुआ है ओके। और इसमें जो कलर चेंजिंग रहते हैं, इसीलिए इसमें कलर चेंजिंग रहते हैं, डार्क और लाइट। इसमें जो रीड्स आएंगे कारपेट में इसमें जो धागे रहते हैं जिसको हम बोलते हैं रीडिस, हाँ, इसके जो अंदर है वो आएंगे 2500 रीडिस पर स्क्वायर इंच। ओके, उसके बाद इसके ऊपर प्राइस बढ़ता है। ये कारपेट सेक्शन है पूरा, ये यहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारा स्टॉक भी है इनके पास। और ये हो गया हमारा रूम जिसपे कारपेट बनते हैं, छोटे साइजेस और बड़े साइजेस। ये हो गया कलर कोड, जो हर किसी कारपेट में अलग अलग कलर होते हैं, कोड किया जाता है, कोड किया जाता है। दुनिया का कोई भी आलिम क्यों ना हो, हाँ, जिसने 15 बार पीएचडी किया हो, उसको कोई नहीं पढ़ सकता। Nobody can read this without the carpet man who can make the carpets। वाव, ये वेरी टफ लैंग्वेज है। और ये हो गया कारपेट्स के अलग अलग कलर्स। और जो हैंडमेड कारपेट होता है, हाँ, उसका जो लीव होते हैं धागे, हाँ, हाँ, पीछे से भी होते हैं और आगे से भी होते हैं लेयर्स। ओके, जो मशीन का कारपेट होता है उसको एक ही साइड में होते हैं धागे। ओके, अगर हम दिखाएंगे आपको ये साइज जिसको हम बोलते हैं 3x5, 3x5 हो गया ये, जिसको हम बोलते हैं लेस नंबर ऑफ नॉट्स। लेस नंबर ऑफ नॉट्स मतलब हो गया कि जो सबसे कम धागे पे बना हो उसकी पिक्चर क्वालिटी लेस होता है। ओके, जो दोनों साइड से, यहाँ से डार्क, हाँ, यहाँ से लाइट, कलर चेंजिंग, संडे मंडे। जो हो गया कश्मीरी कारपेट। उसके बाद रहेगा इससे भी हाई नंबर ऑफ नॉट्स, जिसको हम बोलते हैं हाई नंबर ऑफ नॉट्स। मतलब हो गया हाई डेफिनेशन। हाई डेफिनेशन मतलब कि पिक्चर क्वालिटी उसमें क्लियर आता है। यह आएगा 8,500 का। और ये जो कारपेट है इससे बड़ा साइज 6x4, 2,500 नॉट्स पर स्क्वायर इंच। इसका जो प्राइस रहेगा 43,000। डार्क एंड लाइट 43,000। उसके बाद सेम साइज रहेगा, हाँ, सेम साइज रहेगा। इसको बोलते हैं सिलिक ऑन सिलिक, जो दुनिया का सबसे ठंडा सिलिक होता है। और साइज सेम है 6x4। इसका जो प्राइस रहेगा 85,000। इसमें जो रीड्स होते हैं, रीड्स, हाँ, उसको हम वो होते हैं 3,200 नॉट्स पर स्क्वायर इंच। ओके, जो हो गया दुनिया का सबसे ठंडा सिल्क, जो ओरिजिनल रेशम का होता है, सिल्क ऑन सिल्क, मखमल जैसा। ये भी बहुत महंगा होगा। ये 85,000। सेम साइज, भी आपको दिखाऊंगा, आप थोड़ा वहाँ पे देखिए। ये देखिए, यहाँ से डार्क, यहाँ से लाइट। और इसका बैकअप देख लीजिए, वो हो गया क्लियर एज वेल एज फ्रंट। इसी को बोलता है कश्मीरी की कारीगरी। हो गया हाई नंबर ऑफ नॉट, सीधा बैक इज क्लियर एज वेल एज फ्रंट। इसी को बोलता है कश्मीरी कारीगरी, जो दुनिया का सबसे बेस्ट हैंडमेड कारपेट्स होते हैं। और इन कारपेटों में क्या होता है, इसमें 5 फ्यूचर होते हैं। You don't afraid to walk with shoes। इसमें कोई स्पेशल केयर नहीं होता है। मोर यूज इट इज मोर बेटर। घर में बिल्ली हो, डॉग हो, हाँ, वो नाखून से स्क्रैच करे कारपेट में कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। Okay। तो ये जो रहेगा अनबेंडेबल, स्टैंड प्रूफ, डस्ट फ्री और फायर प्रूफ। इसके ऊपर आप पेपर डालो जला के, ये जलेगा नहीं, पेपर जलेगा, कारपेट को कुछ नहीं हो जाएगा। ये 5 फ्यूचर कश्मीरी कारपेट में रहते हैं। Okay। और उसके बाद आपके घर में कारपेट के ऊपर तेल गिरे, चाय गिरे, वाइन गिरे, आंचार गिरे, आपको सिर्फ ग्रीन लेमन लेना है, ग्रीन लेमन से रैपिड करना है और दाग चला गया। ओके, वेरी नाइस। ये फ्यूचर्स कश्मीरी कारपेट में है। ओके, बाकी धन्यवाद।